हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मैट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइगन डी टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारी ट्राइगन डी टैबलेट है, इसका प्राइस लगभग हमारा 39 रुपीज़ की है, जो कि हमारी कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और जो इसके कॉम्पोजिशन देखे गए हैं, डाइसोक्लोमाइन 20 mg और पैरासीटामोल 325 mg है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो ये टैबलेट है, इसके यूजेस और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो ये मेडिसिन है, ये एक टाइप की हमारी एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, अदरवाइज अगर किसी व्यक्ति को या पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, अगर उसके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे उसका स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन धीरे धीरे ठीक हो जाए। और ये भी देखा गया है, अगर लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल पेन होता है और क्रैम्प भी आते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टैबलेट को। तो दोस्तों, जो ओवरऑल देखा गया है इस दवाई का, अगर व्यक्ति को एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे उसका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो क्या आपको साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। इस टैबलेट को लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि आपको नोज़िया, जैसे आपको लगेगा कि वॉमिटिंग हो रही है और कभी कभार आपको वॉमिटिंग भी हो जाती है, और आपका गला भी सूखने लगता है, ड्राइनेस इन माउथ, और तो और कभी कभार आपको नींद भी आती है इस टैबलेट को लेने के बाद, और वीकनेस भी लगती है। अगर इससे ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को बताओ, जिससे आपका वो मेडिसिन चेंज करके बेस्ट रिजल्ट दे सके। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेनी चाहिए। जो हमारी ये टैबलेट है, अगर आपके एब्डोमिनल पेन होता है तो उस समय आपको लेनी चाहिए एक टैबलेट। डॉक्टर की एडवाइस से लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस में क्या होगा, आपको डॉक्टर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको बता सकते हैं कि आपको किस समय लेना है और किस समय नहीं लेना है, और खाना खाने के बाद ही लो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये टैबलेट वर्क कैसे करती है। दोस्तों, जो ये टैबलेट है, इसके अंदर हमारा डाइसाइक्लोमाइन और हमारा पैरासीटामोल है, ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। ये क्या करता है, हमारा जो भी एब्डोमिनल पेन है उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। डाइसाइक्लोमाइन हमारा एक टाइप का एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है। ये क्या करता है, ये हमारे जो भी स्टमक के और गट, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके मसल को रिलैक्स कर देता है, जिससे जो भी दर्द है वो बहुत ही कम हो जाता है। और जो हमारा पैरासीटामोल है, वो हमारा एक एंटी एनाल्जेसिक का काम करता है, जो पेन को रिलीव करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं इस टैबलेट में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस जब आप इस टैबलेट को लेते हैं। तो सेफ्टी एडवाइस यही है कि आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए, विदाउट डॉक्टर के एडवाइस से लेना तो आपके लिए ख़राब ही है। और अगर आपको ज़्यादा ही सीवियर पेन हो रहा हो पेट में, तो डॉक्टर को बताओ, तो डॉक्टर कभी कभार आपको अदर मेडिसिन दे सकते हैं या तो आपको इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी, कृपया करके डॉक्टर के एडवाइस से ही लें। अगर आपकी कोई अदर मेडिसिन चलती है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे डॉक्टर आपको चेक करके आपकी डोज को मिनिमाइज भी कर सकता है और आपको बताएगा कि किस समय लेना चाहिए। और अगर आपके किडनी
या लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।